नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इसराइल और हमास के बीच जंग जारी है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में इजरायली सैनिक घुस चुके हैं और वहां छिपे हमास लड़ाकों से लोहा ले रहे हैं। और इस बीच भारत ने इस संघर्ष में एक बार फिर सामान्य नागरिकों की सुरक्षा और सिविलियन कैजुअलिटी कम करने पर जोर दिया है। साथ ही गाजा पट्टी में पीड़ितों तक मानवीय मदद पहुंचाना जारी रखने की भी पैरोकारी की है। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये एक रिपोर्ट देखिए। इजरायली सैन्य बलों का कहना है कि गाजा के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा को हमास ने अपनी बीस के तौर पर इस्तेमाल किया है। वे मरीजों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए अस्पताल में छापेमारी की कार्रवाई की गई। बुधवार को जब इजरायली सेना के जवानों ने अस्पताल में छापेमारी की तो यहां बच्चों और मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करने में भी मदद की थी। इजरायल ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल से जो लैपटॉप बरामद किया गया है उसमें बंधकों की जानकारी उपलब्ध है। बुधवार तड़के अल शिफा अस्पताल में घुसी इजरायली सेना अब भी वहां मौजूद है, लेकिन जांच में उसे लैपटॉप के अलावा कुछ विशेष नहीं मिला। सेना ने अल शिफा अस्पताल का एक वीडियो जारी किया है जिसमें हथियार नजर आ रहे हैं। सेना ने कहा है कि इन हथियारों को अस्पताल की आसपास छिपाया गया था। तीन बैगों में असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड, हमास की वर्दी और अन्य गोला बारूद थे। उधर फिलिस्तीन अधिकारियों ने कहा है कि अल शिफा अस्पताल में 650 मरीज हैं, जिनमें 36 समय से पहले जन्मे बच्चे भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जनरेटर चलाने के लिए ईंधन की कमी के कारण 11 नवंबर से 3 समय से पहले जन्मे बच्चों सहित 40 मरीजों की मौत हो गई। गाजा में मरने वालों में 200 से अधिक चिकित्सा कर्मचारी भी शामिल हैं। और इसी बीच भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरितम पक्षी ने एक प्रेस वार्ता में इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में सिविलियन कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा, भारत ने हमेशा नागरिक हताहतों से बचने, मानवीय कानून का पालन करने और संघर्ष में फंसे लोगों को मानवीय राहत प्रदान करने के किसी भी प्रयास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बागची ने ये भी बताया कि भारत ने अब तक गाजा के लोगों के लिए 38 टन मानवीय राहत सामग्री भेजी है। हम और अधिक सहायता भेजने पर विचार कर रहे हैं। साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर कहा कि आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को तत्काल बिना शर्त रिहा करने का आह्वान एक बार फिर किया। दूसरी ओर इसराइल ने दक्षिण गाजा में व्यापक अभियानों के संकेत दिए हैं, जिससे फिलिस्तीनी नागरिक दहशत में हैं। उत्तर गाजा में इसराइल द्वारा की जा रही सैन्य कार्रवाई के बाद अब सेना दक्षिणी गाजा में भी मिशन शुरू करने को तैयार है। यहाँ सेना ने हवा से अरबी भाषा में पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाका खाली करने का फरमान सुनाया है। इनमें लिखा है, जो भी हमास के नेताओं या उनके कमांड सेंटर के आसपास मौजूद है वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। इसराइल ने दक्षिण गाजा के खान यूनुस में बानी शुहेला, खुजा, अबासन और करारा कस्बों को छोड़ने को कहा है। ये कस्बे जो शांति काल में सामूहिक रूप से 1 लाख से अधिक लोगों के घर थे, अब उन हजारों लोगों को आश्रय दे रहे हैं जो अन्य क्षेत्रों से भाग कर आए थे। इसराइल ने नागरिकों से कहा कि उनके इलाके में मौजूद हमास के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। यहाँ के नागरिकों को इलाका तुरंत खाली करना होगा और अन्य आश्रय स्थलों की ओर जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। तो चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र ओझा जी, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव, स्ट्रेटेजिक अफेयर एक्सपर्ट हैं, जो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। ओझा जी, शुरुआत सबसे पहले मैं आप ही से करना चाहूंगी कि जिस तरह से देखिए ये जो जंग है वो लगातार जारी है। गाजा पट्टी के सबसे बड़े अस्पताल अल शिफा में अब इजरायली सैनिक भी घुस चुके हैं, वहां पर हमास के लड़ाकों से लड़ाई लड़ी जा रही है। लेकिन अगर बात भारत के लगातार स्टैंड की जाए तो अब भारत ने साफ तौर पर अपना रुख क्लियर कर दिया है। बार बार अपील की जा रही है उससे इस पूरी जंग को खत्म करने के लिए। उसने साफ कह दिया है कि आम लोगों की जान नहीं जानी चाहिए और गाजा में फिलिस्तीनियों को, आम लोगों को हम मदद पहुंचाना भी बंद नहीं करेंगे। बिल्कुल, देखिए भारत का की पोजीशन हमेशा से बड़ी स्पष्ट रही है।
कि इसराइल को एग्जिस्ट करने का अधिकार है। जो इस्लामिक हार्डलाइनर्स हैं वो कहते रहे कि इसराइल को बने रहने का भी अधिकार नहीं, एग्जिस्टेंस का कोई अधिकार नहीं है। तो भारत उसमें बड़ा साफ था। 1990 के दशक से हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि जो वहां के तमाम देश हैं, जब अरब और ईरान में डिफरेंसेस चल रहे थे तभी दोनों के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। तुर्की एक मात्र ऐसा धुरी बन के आया है कि चीन के इंटरेंस में, जो भारत के भारत से उसके मैंने भारत ने उसकी मदद भी की जहां पे जब उनके यहाँ अर्थक्वेक हुआ, लेकिन फिर भी तुर्की एक मात्र देश है जो भारत के खिलाफ कंसर्न बयान दिया करता है। और जहां तक जनता का सवाल है, फिलिस्तीन का सवाल है, देखिए शुरुआत से ही हमारे विदेश नीति में एक कॉन्टिन्यूटी रही है और उसमें यह है कि भाई फिलिस्तीनियों को अपने घर में जीने का अधिकार मिलना चाहिए। यहूदियों के साथ बहुत जुल्म हुआ, बहुत अत्याचार हुआ, तो उसकी कोई मिसाल नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ जो है ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिलिस्तीनी अपने घर से अपने बेघर हो जाए और अपने घर में ही वो दूसरे दर्जे के नागरिक बन जाए। और हमेशा से कि इसराइल के इलाके में भी अगर फिलिस्तीनी है तो उनको भी वही अधिकार मिलना चाहिए। देखिए दो बातें हैं वक्ता जी, एक तो क्या कि इस्लामिक रेडिकलिज्म, इस्लामिक चरमपंथी, इस्लामिक आतंकवाद जो उस क्षेत्र की मैं कह सकता हूँ कि उसके वहां की सोशल साइकोलॉजी का हिस्सा है। इस्लाम नहीं था तब भी पैरोकेलिज्म थी, तब भी जेनोफोबिया थी, इस्लाम आने के बाद ही रही है। तो वो जेनोफोबिया के खिलाफ हम है, तो उस जेनोफोबिया के नाम पे जो वायलेंस होता है उसके खिलाफ है। लेकिन जो आम जनता है, जो किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के, कहीं के लोग क्यों ना हो, हम ये नहीं कह सकते कि हम इस समुदाय के साथ है। जैसे पाकिस्तानी अनर्गल बातें करते रहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों को ही जीने का अधिकार है, हम इस बात को विश्वास ही नहीं करते। हम समझते कि सभी मनुष्य को जीने का अधिकार है, चाहे वो मुसलमान हो, यहूदी हो, क्रिश्चियन है, जो भी क्यों ना हो। तो इस तरीके से हमारा एक बड़ा ह्यूमन सा पोजीशन रहा है। और जो आपने हॉस्पिटल की बात की, हमने कल भी बात की आपके चैनल पे कि ये जो है इस्लामिक जो आतंकवादी है, जो उन्होंने अपना नया चेहरा बदला है, ट्रांजिशन किया है, उनमें कोई मोरालिटी, कोई इथिक्स, कोई नैतिकता कुछ भी नहीं है। वो इतने बेगैरत और बेशर्म किस्म के लोग हैं और इतने दरिंदे किस्म के लोग हैं कि वो स्कूलों के भीतर छुपते हैं, औरतों का को शील्ड बनाते हैं, छोटे बच्चों को शील्ड बनाते हैं, और जरूरत पड़ता है तो वो यहूदियों के यहाँ पे भी जाके, ज्यूज को भी जाके, कैसे उन्होंने निहत्ते लोगों को अटैक किया। तो हमें इस घिनौनी सोच से हमारी लड़ाई होनी चाहिए। इस घिनौनी सोच को हमें खत्म करना है, चाहे वो सोच कहीं से क्यों ना आए। लेकिन फिलहाल जो सोच है वो इस्लामिक कुछ चरमपंथियों की से आ रही है, और यहूदी भी अगर एक्सट्रीमिज्म पे जा रहे हैं तो हमें उसको भी अपोज करना है। लेकिन जहां तक निर्दोष और निहत्थी जनता है फिलिस्तीन की, उसके साथ तो भारत का एक मानवीय तरीके से खड़े होना मेरे ख्याल से पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि आज की इंटरडिपेंडेंट दुनिया में हम पैरोकेलिज्म में या हम इस तरीके के नस्लवाद में बिल्कुल नहीं जा सकते। और हमारी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, पूरी दुनिया की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है कि हम पूरे मनुष्यों को सही और गलत के आधार पे देखें और सभी के अधिकारों की सुरक्षा की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ऊर्जा जी कि एक तरह से भारत ने जिस तरह से मानवीय अधिकारों की बात की है, जो सामान्य लोग हैं उनकी कैजुअलिटी और सिविलियन कैजुअलिटी पर जोर दिया है कि उन्हें कुछ न किया जाए, उनका ध्यान रखा जाए, ऐसे में संदेश काफी बढ़ा जाता है। संजीव जी, इसी को लेकर मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। भारत ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया, लेकिन और बड़े बड़े देश कहाँ हैं जो ये ह्यूमन राइट्स की बात करा करते हैं कि ह्यूमन राइट्स के लिए इस तरह के काम किए जाने चाहिए? अब तो कहीं कोई बड़े देश नजर नहीं आ रहे हैं। देखिए, जहां तक सिविलियन कैजुअलिटीज का प्रश्न है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का जो विषय है, उसको निसंदेह, चाहे वो कोई भी बड़ा से बड़ा राष्ट्र हो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, यूरोपीय राष्ट्र हो, भारत का आपने जिक्र किया ही, अन्य जो भी जिम्मेदार राष्ट्र हैं, लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, वो सभी इस बात को इसराइल को इंश्योर करने के लिए कह रहे हैं, उसे अर्ज कर रहे हैं कि वो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज को फॉलो करें और जिसमें कि स्ट्रिक्ट तरीके से स्पष्ट रूप से सिविलियन कैजुअलिटीज को बचाने की बात कही गई है। और जो जो भी कभी युद्ध के दौरान जो भी जो एक रूल्स ऑफ वॉर होता है उसको फॉलो करना होगा और ये इसराइल को इंश्योर करना होगा। और इस बात की जो है बात भारत भी लगातार कह रहा है, लेकिन इसराइल का जो एक पक्ष ये है कि ये जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि हमास जैसा जो आतंकी संगठन है वो गाजा के नागरिकों को ही एक ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। वो बेहद कायराना तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स के नीचे टनल्स में अपने कमांड एंड कंट्रोल को बना रखा है, स्कूलों के नीचे अपने कमांड एंड कंट्रोल को स्थापित कर रखा है, मॉस्क के नीचे जो है अपने आतंकी तंत्र को बनाया है। तो इस वजह से इसराइल की डिफेंस फोर्सेज जब भी वहां ऑपरेट कर रही हैं तो उन्हें अनेक तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक इसराइल के इस ऑपरेशन का प्रश्न है,
वो आतंकवाद के इस का जो दानव है, जो हमास जैसा आतंकी संगठन है, उसको समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध है। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है, बहुत ही स्पष्ट कारण है, मैं इसके बारे में जरूर एक बात कहना चाहूंगा कि यदि हमास जैसा आतंकी संगठन गाजा में इंटैक्ट रह जाता है तो भविष्य में भी अगर कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस इसराइल और अरब राष्ट्रों के बीच में किया जाएगा तो हमास इससे भी बड़े कई आतंकी हमले कर सकता है। भविष्य में कोई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को आगे बढ़ाना है तो हमास के जिस साजिश को और आतंकी साजिश को समाप्त करना होगा। यदि मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस को बढ़ाना है, I2U2 जैसे इनिशिएटिव को बढ़ाना है तो आतंकी जो साजिशों को जो है नेस्तनाबूद करना होगा, तभी जाकर के भविष्य में भी किसी भी तरीके का नॉर्मलाइजेशन, किसी भी तरीके की जो पीस प्रोसेस है वो तभी आगे बढ़ सकती है। इसलिए हमास के जहां तक उसके अस्तित्व को समाप्त करने का प्रश्न है, मुझे नहीं लगता कि इसराइल रुकने जा रहा है। ये जो ऑपरेशन अब जाहिर है कि फाइनल स्टेज में पहुंच रहा है, फाइनल असॉल्ट किया जा रहे हैं वहां पे, और अब जो गाजा में हमास का जो 2007 से जो आतंक का शासन चल रहा था वो समाप्ति की कगार पे है, और उसका जो एक टेरर का जो मशीन, टेरर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसने क्रिएट कर रखा था वो भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। बिल्कुल, ये टेरर को खत्म करने की बात बिल्कुल ठीक संजीव जी आप कह रहे हैं, ओझा जी भी इस बात की तरफ हमेशा से कहते रहे हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से जो सामान्य लोग हैं, आम जिंदगियां जिस तरह से खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं देशों को उस बारे में भी। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितेंद्र ओझा जी और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार इस चर्चा में बने हुए हैं। ओझा जी देखिए, यूएन का इसमें मतलब क्या है ये समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब इस तरह के कोई भी घटनाएं होती हैं देश में या किसी भी दुनिया में किसी भी जगह शांति बनाने की बात की जाती है तो उस तरीके की चीजों से लड़ने के लिए यूएन है। लेकिन अब ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स का फिर अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन की, तो फिर क्या मतलब रह जाता है जब ऐसे कहीं भी कोई भी घुसकर कहीं भी कभी भी हमला कर दे, क्या क्या दायित्व बनता है यूनाइटेड नेशंस का? देखिए, यूनाइटेड नेशंस जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उनको इन्फोर्स नहीं किया जा सकता है, वो कोई भी प्रीएम्प्टिव कोर्सिव एक्शन ले नहीं सकते हैं, क्योंकि यही फर्क है डोमेस्टिक लॉज में। और डोमेस्टिक लॉ में भी आप देखिए कि अगर क्रिमिनल है वो क्राइम कर ही जाते हैं और उसके बाद जो है क्राइम पूरी तरीके से रोका नहीं जा सकता है। तो जो ये यूनाइटेड नेशंस है ट्रस्ट पे चलती है और एक अंडरस्टैंडिंग पे चलती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता की बात है वक्ता जी, जब मैं जियो पॉलिटिक्स को देखता हूँ, देशों के बीच में जो विश्वास होना चाहिए था वो नहीं है। ये जो है बहुत बड़ी यूनाइटेड नेशन आई कब, जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद तमाम दुनिया के देशों ने महसूस किया कि युद्ध की विभीषिका क्या हो सकती है, कैसे उसका विनाश हो सकता है, तो उन्होंने एक संगठन बनाया। लेकिन ये भी इक्वालिटेरियन नहीं है, इसका देखिए एक अलग ही मुद्दा है कि इसमें कुछ लोगों को बहुत विशेष अधिकार मिले हुए हैं और बाकी लोग ऐसे ही हैं। तो ये तमाम जो विक्टर्स हैं उन्होंने कहा कि हम ये बनाएंगे, लेकिन अभी जो रियलिटी क्या है, रियलिटी यह है कि देखिए अमेरिका के बीच में, चीन के बीच में डिस्ट्रस्ट है, चीन के रिसर्जेंस जिस तरीके से हुई है वो जो है एक पूरी दुनिया को खतरा दे रहा है, और जो इस्लामिक रेडिकलिज्म की हम बात कर रहे हैं, पश्चिम ने खुद इस्लामिक रेडिकलिज्म का बहुत दुरुपयोग किया है, बहुत इस्तेमाल किया है। कई एक मुसलमान देशों में जब सेक्युलर लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियन आ रहे थे उसको उन्होंने निकाल बाहर किया, इंक्लूडिंग सद्दाम हुसैन को, किराज से किराज जो है उसकी स्टेबिलिटी वो ठीक नहीं रही, स्थायित्व ठीक नहीं रहा। आप देखिए सीरिया में भी देखा जाए डेमोक्रेसी की दिक्कत है, डेमोक्रेसी इतना आसान नहीं होता है और सिर्फ इलेक्शन ला देने की वजह से डेमोक्रेसी नहीं आ सकती है, बहुत सारी उसकी तैयारियां की जानी चाहिए। तो देखा ये जा रहा है कि आज जो है दुनिया में बहुत अविश्वास बढ़ा हुआ है और उसमें कुछ ऑटोक्रेटिक देश है उनको लगता है कि नहीं वो जो कर रहे हैं वो ठीक है, डेमोक्रेसी भी कई जगह रिक कर दी गई है। यूनाइटेड नेशन सक्षम नहीं है और मैं समझता हूँ कि सिर्फ यूनाइटेड नेशन को दोष देने से बात नहीं बनेगी। अगर हम इसे ठीक करना चाहते हैं, एक इंटरनेशनल सिक्योरिटी स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि एक नए सोच की जरूरत है जो डेमोक्रेसी की आइडिया को ही दूसरे या तीसरे स्पादान पे लेके जाए, क्योंकि इस स्थिति में कहीं पे भी झगड़ा हो सकता है, कहीं इरप्शन हो सकता है, और आज की तारीख में लोगों के पास बहुत खतरनाक हथियार मौजूद है और उन हथियारों को रोका नहीं जा सकता है और उससे खतरा और बढ़ सकता है। मुझे ये लगता है कि दुनिया में एक नए लीडरशिप की, एक नए सोच की जरूरत है, और वो सोच क्या होनी चाहिए, वो यही होनी चाहिए कि कैसे हम स्ट्रक्चर्स को इस तरीके से मॉडिफाई करें डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली कि ये पीस और सिक्योरिटी आए। लेकिन ये मुश्किल लग रहा है जब तक चाइना जैसी ओपेक ताकत का वो बढ़ते जा रही है और साथ में इस्लामिक रेडिकलिज्म भी बढ़ते जा रहा है, इस्लामिक देश भी अपनी ताकत कम नहीं करना चाहते हैं और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन सारे जगह जो है बिखराव पे है, सारे जगह उनकी क्रेडिबिलिटी इरोड हो रही है, अमेरिका तक में इरोड हो रही है, यूरोप में इरोड हो रही है।
कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन के प्रोसेस को रिक कर दिया गया है, जिसमें हो यह रहा है कि कुछ पावरफुल लोग अपना अपना एजेंडा पुश कर रहे हैं। अमेरिका के बारे में हम लोग कहते हैं कि कैसे मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उनका जो है उनकी फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट कर रहा है। भारत के बारे में कहा जाता है कि इसकी कॉर्पोरेट सेक्टर में वो काबिलियत वो एफिशिएंसी नहीं है जो इसके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव को वो कॉम्प्लीमेंट कर सके। तो ये एक नया चैलेंज है, लेकिन इसमें फिलहाल ये है कि देश मिल के आए। जैसे भारत ने कहा कि ह्यूमैनिटेरियन ये एड होते जाना चाहिए, उनके प्रोटेक्शन होना चाहिए, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए, साथ में ऐसी ताकतों को खत्म करना चाहिए। अगर इस पे कंसेंसस बनता है और इस पे बात आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि हम कुछ प्रोग्रेस करेंगे टैक्टिकल लेवल पे, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी। विपक्षा जी बिल्कुल बिल्कुल, संजीव जी जी कहिए कहिए, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि लगातार देखिए यूएन सुरक्षा परिषद के जो अगर 5 स्थायी सदस्यों की बात की जाए, कभी भी किसी भी चीज को लेकर जब कोई भी प्रस्ताव लेकर आया जाता है, इसराइल की और हमास के ही जंग को लेकर आपको याद होगा कि प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन उसको भी कहीं ना कहीं जब कंडेम करने की कोशिश की जाती है या करने की बात आती है तो कोई ना कोई देश उस पर वीटो लगाकर उसे भी बदल दिया जाता है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से ये पूरा जो एक साइकिल चल रहा है वो किसी न किसी तरीके से ठीक है? देखिए यहाँ पे मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आतंकवाद की जो चुनौती है ये पूरे मानवता के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन आतंकवाद की चुनौती का जो उसका मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में जिस तरीके की एकता राष्ट्रों के बीच में होनी चाहिए वो एकता दिखाई नहीं देती, और आतंकवाद के मुद्दे का भी राजनीतिकरण करने की कोशिश की जाती है। अभी हमने इसराइल हमास के युद्ध में देखा कि इसराइल के ऊपर इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ जो किसी 9/11 मूवमेंट जैसा था, कोई 26/11 मूवमेंट जैसा था, लेकिन इसके ऊपर भी जो प्रस्ताव लाए गए उसमें भी राजनीति की गई है और एक दूसरे के प्रस्तावों को अनेक माध्यमों के माध्यम से डिफीट और गिराने की कोशिश की गई है। लेकिन ये बहुत दुर्भाग्य का विषय है कि आतंकवाद जैसे मुद्दे पर भी आज राष्ट्रों के बीच में एकता नहीं है, और चाहे वो रशिया हो, चाइना हो, अमेरिका हो, भारत हो, सभी जितने भी सभी राष्ट्र हैं सभी आतंकवाद की चुनौती से जूझ रहे हैं। लेकिन ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 परमानेंट 5 मेंबर्स हैं उनके बीच में आपस में जो ठीक ठाक रहती है, जो आपस में जो एक अपने एक दूसरे को नीचा दिखाने की उन्हें जो है उनके ऊपर प्रभाव बढ़ाने की जो कोशिश रहती है, जो वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता रहती है, उसकी वजह से यूनाइटेड नेशंस अपना काम नहीं कर पा रहा है। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था कि आज यदि यूनाइटेड नेशंस को आने वाले वर्षों में और दशकों में रिलेवेंट बने रहना है तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल ही नहीं बल्कि पूरे यूनाइटेड नेशंस का रिफॉर्म्स होना चाहिए। रिफॉर्म के लिए ये बेहद आवश्यक है यूनाइटेड नेशंस के लिए कि वो रिफॉर्म्स करे, जल्द से जल्द रिफॉर्म्स करे। यदि वो नहीं करता है तो उसका हश्र भी वैसा ही हो सकता है जैसा कि लीग ऑफ नेशंस का हुआ था, और यूनाइटेड नेशंस अपने जो भूमिकाओं को निभाने में लगातार विफल साबित हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे वो अभी जो वर्तमान समय की जो स्थिति आप देख ही रहे हैं, उसके पहले भी अनेक ऐसे संकट आए कि जिसमें यूनाइटेड नेशंस जिसका जो मेन मैंडेट है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टैब्लिश करने का, यूएनएससी का जो मेन मैंडेट है, वो अपने भूमिकाओं को निर्वाह नहीं कर पा रहा। और ये एक ऐसी संस्था है कि जो कि 20वीं सदी के मध्य में बनी थी और अब ये हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। विश्व की रियलिटी बदल चुकी है, भारत जापान जर्मनी ब्राजील साउथ अफ्रीका जैसे देशों का उदय हो चुका है, और विश्व के जो ऐसे बड़े राष्ट्रों को यदि यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट मेंबर के रूप में स्थान नहीं दिया जाता है तो जाहिर है कि ऑर्गेनाइजेशन अपना काम ठीक तरीके से बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ऐसे मुद्दे पर भी संजीव जी और रोजा जी जाते जाते बस मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूंगी क्योंकि वक्त की कमी भी है। ऐसे मुद्दे पर भी जब जिस तरह से देशों को एकजुट होना चाहिए, कहीं ना कहीं एकजुट ना होने की जगह अपने अपने देशों की अपने अपने हितों को साधने की कोशिश की जाती है, और ऐसे में ये काफी गंभीर विषय बन जाता है कि आखिर इसका जो सोल्यूशन होगा, इसका जो समाधान होगा, कौन से देश मिलकर कौन से राष्ट्र मिलकर कर पाएंगे जिससे कि आगे आने वाले वक्त में हमें कभी इसराइल और हमास जैसा युद्ध ना देखना पड़े या फिर यूक्रेन या फिर रशिया जैसा युद्ध ना देखना पड़े। ये काफी गंभीर विषय है और इस पर सभी को बहुत विचार करना चाहिए। ओजा जी आपका और संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इससे जुड़ी हम तक साझा करने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।